झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार पहली बार लोकसभा चुनाव में कुछ अलग करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार चुनाव से पहले जनता के बीच घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रहे हैं। झुंझुनू जिले के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कोई प्रत्याशी जिले के लिए घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार के बेटे डॉक्टर प्रवीण कुमार ने एक वीडियो जारी करके झुंझुनू की जनता से झुंझुनू के लिए बनाए जा रहे घोषणा पत्र में सुझाव मांगे हैं। घोषणा पत्र में जिले के विकास को लेकर कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाएँ उनकी राय मांगी गई है। साथियों, मैं डॉक्टर प्रवीण श्रवण कुमार, मैं आप लोगों के बीच एक अपील लेकर आया हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बार ये तय किया है कि झुंझुनू का अपना एक घोषणा पत्र बनाया जाए, जिसमें आप सब लोगों की राय एक महत्वपूर्ण मायने रखती है हमारे लिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, या सरकारी नौकरी करने वाले अन्य किसी भी तरह की नौकरी और व्यवसाय में लिप्त लोग हैं, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग आगे आएँ, हमारी अपनी राय रखें, झुंझुनू का अपना एक घोषणा पत्र बनाने में हमारी मदद करें। आप लोगों की अपील से, आप लोगों की मदद से ही हम लोग ये घोषणा पत्र बना पाएंगे। इसलिए आप सब लोग नीचे दिए गए नंबर में अपनी राय अपना व्हाट्सएप करें, हमें मैसेज करें और अपनी राय से हमें अवगत कराएं, ताकि हम आपके और हमारे लिए जो बेस्ट घोषणा पत्र हो सकता है वो हम तैयार कर सकें और 5 साल में उसके अनुरूप काम करें।